हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ये है क्लास ट्वेल्थ इवोल्यूशन चैप्टर का, और साथ ही साथ ये ट्वेल्थ क्लास के साथ नीट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ भी आप इसको पढ़ेंगे। देखिए, क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो बच्चे आगे नीट की तैयारी कर रही उनके लिए भी, और मैं थोड़ा यहाँ पे डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे टॉपिक्स वगैरह लेकर के आ रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं हार्डी विंबर प्रिंसिपल। हार्डी विंबर प्रिंसिपल में क्या कहा गया था ये हम यहाँ पे देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट स्टेट्स दैट द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर्स। ये क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हार्डी विंबर प्रिंसिपल में ये कहा गया कि जो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज है, अब बोलेंगे एलीलिक फ्रीक्वेंसीज क्या है? देखिए, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जीन्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में, उसमें अलील्स, जैसे मान लीजिए कैपिटल ए कैपिटल ए, तो इसमें ये जो कैपिटल ए है ये एक अलील है, तो ये कैपिटल ए दूसरा कैपिटल ए, ये मिलकर क्या है, तो सिंगली ये क्या है, अलील है। इन्हीं को कह रहा है, वो कह रहा है कि किसी एक पॉपुलेशन में जो अलील की फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी मतलब कि वो अलील कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो किसी एक पॉपुलेशन में जो अलील की फ्रिक्वेंसी वो हमेशा क्या होती है, स्टेबल होती है और कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो कांस्टेंट होती है जब तक कि कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर ना आए। ठीक है, किसी डिस्टर्बिंग फैक्टर की एब्सेंस में जो अलीलिक फ्रीक्वेंसीज होते हैं किसी एक पॉपुलेशन में, वो हमेशा क्या होगा, स्टेबल। ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेबल होता है और जनरेशन टू जनरेशन कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द जीन पूल। अब ये जीन पूल क्या होता है? जीन पूल मतलब टोटल जीन्स, जितने भी टोटल जीन्स हैं एंड देयर अलील्स। एक पॉपुलेशन में कोई एक पॉपुलेशन है, उसमें जो टोटल जीन्स हैं और उन जीन्स के जो अलील्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं जीन पूल। ठीक है, तो जो जीन पूल होता है ये भी कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऑब्वियसली जब अलील्स स्टेबल रहेंगे तो जीन पूल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा तब तक होगा जब तक कोई भी फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई भी फैक्टर। ठीक है, चलिए, टोटल सम ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 1, एंड जितनी भी अलीलिक फ्रीक्वेंसीज हैं उनका टोटल सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी पे बेस बाद में एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया गया। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या गिवन दिया गया कि जो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया गया, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1। तो यही बाइनोमियल एक्सपेंशन यहां पे दिया गया, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर एवरीवन। चलिए अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पे क्या बोल रहा है, जितने भी एलील्स हैं वो 1 के बराबर होंगे। तो देखो, होमोजाइगस होता है, रेसेसिव और डोमिनेंट, तो ये होमोजाइगस, रेसेसिव और डोमिनेंट कितने के बराबर होंगे, 1 के बराबर, यानी कि डोमिनेंट का एक एलील प्लस रेसेसिव का एक एलील, इन दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दीज बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, या अपने दिमाग में बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। ठीक है, इन्हीं पे बेस आगे जो है, क्योंकि क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सॉल्व होने वाले हैं, और कुछ मैं टर्म्स भी आपको अभी क्लियर करूंगी, उन टर्म्स को भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब आएगा तो यही टर्म्स आ जाते हैं। इस बार जो ट्वेल्थ का एग्जाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो कैपिटल पी स्क्वायर है ये बता रहा है डोमिनेंट एलील को। तो फॉर एग्जाम्पल, डोमिनेंट एलील हमने कैपिटल ए माना हुआ है, तो ये बता रहा है कैपिटल ए कैपिटल ए। ठीक है, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा,
ऐसे ही क्यू स्क्वायर ये बता रहा है रेसेसिव, यानी कि ये बता रहा है स्मॉल ए स्मॉल ए रेसेसिव एलील को, और जो टू पी क्यू है टू पी क्यू ये बता रहा है हेट्रोजाइगस को, यानी कैपिटल ए हेट्रो मतलब क्या हुआ कि एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, इसको बता रहा है। तो कई बार इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको बोल देंगे कि हेट्रोजाइगस निकालो, हेट्रोजाइगस निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है टू इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है, क्लियर है सबको। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई हो। अब इन्हीं के बेस पे, इस फॉर्मूले के बेस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 to 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जिसमें परसेंटेज वाले भी हैं और नॉर्मली फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन अ पॉपुलेशन विद टू अलील्स फॉर अ जीन लोकस कैपिटल पी स्मॉल पी, तो हमें क्या 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 दिया गया है, हमें कैपिटल पी, अब हमें पता चल गया कैपिटल पी यानी क्या है डोमिनेंट, एंड स्मॉल पी, स्मॉल पी क्या है रेसेसिव, ये हमें पता चल गया, ठीक है, कि एलील्स हमारे क्या क्या है। द अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल पी इज 0.7, तो हमें कैपिटल पी की फ्रीक्वेंसी दी है 0.7, ठीक है। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव, जो होमोजाइगस रेसेसिव है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। इफ द पॉपुलेशन इज इन हार्डी विंबर प्रिंसिपल, अगर पॉपुलेशन जो है हार्डी विंबर प्रिंसिपल में है तो होमोजाइगस रेसेसिव का क्या फ्रीक्वेंसी होगी। अब आप ध्यान देंगे ये स्मॉल पी क्या है एलील, और अगर होमोजाइगस रेसेसिव कह रहे तो होमो मतलब ये अकेला तो नहीं होगा, वो पी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पी स्क्वायर यानी रेसेसिव स्क्वायर, क्योंकि होमोजाइगस बोला है, ठीक है। ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, क्लियर है सबको। चलिए हम इसको फाइंड करेंगे। अब इसको निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पीछे, पी प्लस स्मॉल पी इज इक्वल्स टू 1, मतलब पीछे मैंने आप क्यू करके बताया था, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, ठीक है। पी क्या हो जाएगा 0.7 प्लस स्मॉल पी इज इक्वल्स टू 1, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्मॉल पी क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3। अब ये आपका आया है 0.3 आया है आपका पी, और पी क्या है एलील, बट आपको एलील नहीं पूछा, आपको पी स्क्वायर पूछा, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे आप 0.3 का स्क्वायर, तो हैंस आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.09। तो जो आपका होमोजाइगस रेसेसिव होगा यानी कि पी स्क्वायर वो कितना हो गया 0.09, एंड दिस इज द आंसर, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। आपको देखिए कोई भी डाउट रहता है समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, वहां पे आपको होमोजाइगस कह दिया गया था, यहाँ पे आपको हेट्रोजाइगस निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ पॉपुलेशन इज इन हार्डी विंबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है, हार्डी विंबर्ग इक्विलिब्रियम एक पॉपुलेशन है जीन की विद ओनली टू अलील्स, और वह अलील्स क्या क्या है, इफ द जीन फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए, दो एलील है, एक है कैपिटल ए जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी है 0.7, ठीक है। द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल इज, तो जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होगी यानी जो फ्रीक्वेंसी होगी कैपिटल ए स्मॉल ए की वो हमें निकालनी है। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस को फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या दिखाते हैं टू पी क्यू, P यानी कि डोमिनेंट, यानी कि यहाँ पे डोमिनेंट P क्या है कैपिटल A और रेसेसिव क्या है स्मॉल A, तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। बट इसके लिए आपको रेसेसिव तो पता ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, पहले आप रेसेसिव निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला था P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे डोमिनेंट क्या है A, A की वैल्यू है 0.7, और रेसेसिव क्या है यहाँ पे स्मॉल A,
इज इक्वल्स टू 1. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वैसे ही है, बस वहां पे होमोजाइगस निकालना था, यहाँ पे आपको हेट्रोजाइगस निकालना है. तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.7, तो a विल बी 0.3. अब ये a की वैल्यू की निकल गई है तो यहां पुट कर दीजिए, हेट्रोजाइगस निकल जाएगा आपका. ठीक है, 2pq हेट्रोजाइगस पूछा है ना आपको, उसके लिए 2pq यानी कि वैल्यू रखिए 2 × p 0.7 × 0.3, ये कितना हो जाएगा 0.42. तो ये क्या आ गया आपका, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए की वैल्यू आ गई आपकी 0.42. आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसीलिए मैं आपको करा रही हूँ. ठीक है, आई जाते हैं क्वेश्चन और ऑफकोर्स नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपने एकदम स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा, इसमें परसेंटेज गिवन है. ठीक है, 9% ऑफ हार्डी विंबर्ग पॉपुलेशन ऑफ 800 आर रेसेसिव. आपको ध्यान किस पे देना है, रेसेसिव है. तो यहां पे दिया है कि 9% क्या है, रेसेसिव है. ठीक है, हाउ मैनी ऑफ दिस पॉपुलेशन आर हेट्रोजाइगस. अब आपको हेट्रोजाइगस पूछा है, यानी कि आपको पूछा है 2pq, यही तो पूछा है. अब आप बोलोगे इस क्वेश्चन में तो कुछ गिवन ही नहीं, ऐसा नहीं है, आपको 9% रेसेसिव दिया है. अब हमें पता है किसी एक पॉपुलेशन में कोई रेसेसिव अगर है तो वो पेयर में होगा ऑब्वियसली जीन. ठीक है, अलील अकेला नहीं होगा. तो यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है, हम निकालेंगे 9% की हेल्प से क्यू स्क्वायर. ठीक है, तो इसके लिए पहले इस 9% को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में परसेंटेज से. तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.09 निकल गया. अब इसका 0.09 क्या है, क्यू स्क्वायर, क्योंकि भाई रेसेसिव वैल्यू बोला है 9% है, यानी कि क्यू स्क्वायर 0.09 है. ठीक है, अब क्यू स्क्वायर निकल गया तो यहां से आप क्या है क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट 0.09. तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, आ जाएगा 0.3. तो क्यू आपको मिल गया 0.3. ठीक है, अब यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1. पी की वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.3 और ये है 1 के बराबर. ठीक है, P इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.7, 1 माइनस 0.3 कर देंगे 0.7 आ जाएगा. ठीक है, अब आपको पूछा है हेट्रोजाइगस, तो सिंपल है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इसे, 2 × 0.7 × 0.3 कितना आ जाएगा, सेम अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया वही कैलकुलेशन है, यहाँ पे 0.42 क्या आ गया, ये हेट्रोजाइगस. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन. आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना था, देखो छोटी सी चीज, अगर आपको नहीं पता चलेगा कि 9% को आपको लगे कुछ दिया ही नहीं है, तो 9% को आपने पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ शीप टू बी इन हार्डी विंबर्ग इक्विलिब्रियम. एक शीप की पॉपुलेशन है हार्डी विंबर्ग इक्विलिब्रियम में. ठीक है, इफ द एलील ऑफ व्हाइट वूल, व्हाइट वूल वाला जो एलील है उसे इन्होंने लिखा है स्मॉल डब्ल्यू से, यानी कि ये रेसेसिव है. ठीक है, तो इस रेसेसिव की फ्रीक्वेंसी जो है वो उन्होंने दे रखी है, रेसेसिव की फ्रीक्वेंसी है 0.81, कितनी दी है 0.81. ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इट इज गिवन 0.81. व्हाइल द एलील ऑफ ब्राउन वूल कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.19, इसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.19. ठीक है, द
than the percentage of heterozygous individual in the population. अब बोल रहा है, अब आपको दोनों एलील्स की फ्रीक्वेंसी दी है, हेट्रोजाइगस पूछ रहा है लेकिन परसेंटेज में. तो परसेंटेज में तो आप तब करेंगे ना जब आपको नॉर्मली पता होगा कि कितना होगा. तो हम इस पर फॉर्म लगाएंगे 2pq वाला. तो इसके केस में क्या हो जाएगा, 2 into 2pq आप चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2W इस केस में स्मॉल W. ठीक है, कैपिटल W की वैल्यू कितनी है, 0.19, और जो स्मॉल W है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.81. थोड़ा सा वैल्यू सही से रखिए, 0.81 ठीक है. तो यहाँ पे, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, पहले तो हम हेट्रोजाइगस निकालेंगे. तो हेट्रोजाइगस होगा 2 into 0.19 into 0.81 ठीक है. और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अबाउट 0.307 यानी कि 0.31 ठीक है. अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दे तो ये कितना आ जाएगा, 0.31 आ जाएगा. ये क्या आ गया, हेट्रोजाइगस यानी कि कैपिटल W स्मॉल W ठीक है, कैपिटल W स्मॉल W आ गया. आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू गिवन हो गया आपको उस वैल्यू को ध्यान से पुट करना है. आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको इरेज कर देती हूँ मैं ना, ठीक है. तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे ठीक है. कितनी थी वैल्यू, 0.19 into 0.81. तो ये आ गया हमारा हेट्रोजाइगस. बट हमें ये हेट्रोजाइगस पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में क्या करेंगे, सिंपल है, इस 0.31 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. परसेंटेज को जब हम सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड, और जब इस सिंपलर फॉर्म को हमें परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 31%. तो हेट्रोजाइगस कितना हो गया, 31%. क्लियर टू एवरीवन? तो काफी क्वेश्चन थोड़े से आ जाते हैं घुमा करके, तो आप जो है कंफ्यूज ना हो ठीक है. मैंने आपको जिस भी टाइप से क्वेश्चन आ सकते थे उसके चारों फॉर्म्स करा दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए. और अगर आप हार्डी विंबर्ग के और क्वेश्चंस चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस कराऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12th की, 11th की, 10th की, या फिर जो नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि लोग सोचते हैं नीट की प्रिपरेशन साथ साथ में नहीं हो सकती है, बल्कि हो सकती है. क्योंकि NCERT ही बहुत अच्छे से आप अगर पढ़ेंगे तो नीट के लिए एक सबसे मजबूत बेस वहीं से बनता है. तो आप अच्छे से पढ़िए अपने क्लास 11, 12 को, मेरे लेक्चर्स देखिए, क्योंकि मैं ये सब डिटेल में ही आपको चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ठीक है. अगर आपको वीडियो को पसंद आई है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ताकि हर एक नीडी बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे और वो यहाँ से इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके ठीक है. आपको जो भी टॉपिक ऐसा है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए. थैंक यू.